Dear students I welcome you all to this new video lesson on the e-learning series for subject of class uh, for the subject of information technology class 10 today we are going to cover the second session of unit number 1 digital documentation advanced level in the first session we have worked with styles in a document using open office now in this session number 2 we will be dealing with images

Or we can import it from the open office gallery that is having some predefined images. So first we have inserting an image file. When the image file is in a file stored on your computer, you can insert it into an open office document using the methods as stated below. Concept si method hai. ड्रैग एंड ड्रॉप यह आपने बहुत बार ट्राई की होगी फाइल ब्राउज़र ओपन कीजिए विंडोज़ का और जिस इमेज को आप इंसर्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिए और उसको ड्रैग करके आप उस राइटर डॉक्यूमेंट पे ड्रॉप कर दीजिए ड्रैग करके लाइए और उस राइटर डॉक्यूमेंट पे जो आपके नीचे टास्क बार पे होगा वहाँ पे उस पर ले जाइए तो अपना आपका राइटर डॉक्यूमेंट खुल जाएगा और आप उस पर ड्रॉप कर दीजिए यहां पे आपको एक फेंट वर्टिकल लाइन की मार्किंग दिखाई देगी वट इट वट दिस मैथड डज इट इट मैथड इम्बेड्स इट सेव्स अ कॉपी ऑफ द इमेज फाइल इन द राइटर डॉक्यूमेंट टू लिंक द फाइल इंस्टेड ऑफ इम्बेडिंग इट यू कैन होल्ड डाउन द कंट्रोल प्लस शिफ्ट कीज वाइल ड्रैगिंग द इमेज अगर आप उस फाइल को क्या लिंक करना चाहते हैं इम्बेड नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कंट्रोल और शिफ्ट की दोनों को दबा के रखे जब आप उस फाइल को ड्रैग कर रहे हो ओके ये तो आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड होगी दूसरी मेथड ये भी आपने यूज़ की हुई होगी कई बार जब आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स इंसर्ट की होगी आपने प्रोजेक्ट्स के लिए वह है इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स तो सबसे पहले आपने उस जगह पे क्लिक कर लेना है जहाँ पे आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं और उसके बाद ये चीज ध्यान रखिएगा ये जो मेन्यू आ रहा है इसका मेन्यू का आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है इंसर्ट मेन्यू उसके अंदर पिक्चर और उसके बाद फ्रॉम फाइल फ्रॉम द मेन्यू बार ये आपको ऑप्शन फॉलो करना है ओके okay? तो ये देखिए ये आपके ओपन ऑफिस का डॉक्यूमेंट है खुला हुआ इंसर्ट उसके बाद यहां पे आप पिक्चर और यहां पे फ्रॉम फाइल तो इस पर आप जाएंगे तो आपको एक सिलेक्शन बॉक्स दिखाई देगा डायलॉग बॉक्स उसमें से आप उस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए और आप यहां पे उसको ला सकते हैं ठीक है सो जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और उसके बाद ऑन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स नेविगेट टू द फाइल यू वांट टू इंसर्ट और उसके बाद पे क्लिक करके ओपन कीजिए एट द बॉटम ऑफ द डायलॉग देर आर टू ऑप्शंस प्रीव्यू एंड लिंक यहाँ जब आप उसको डायलॉग बॉक्स आपको ऐसा खुलेगा तो इसमें आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे प्रीव्यू एंड लिंक तो प्रीव्यू जब आप करते हैं तो आपको साइड में उस जो पिक्चर आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका एक व्यू भी दिखता है कि आप सही पिक्चर सेलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ओके okay. और आपको ये लिंक का भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा अगर आपने प्रीव्यू सेलेक्ट किया है तो आपको ये साइड में व्यू दिखाई देगा नहीं तो नहीं दिखाई देगा उसके बाद क्लिप बोर्ड में से आपको इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं कैसे ओपन बोथ द सोर्स डॉक्यूमेंट और द टारगेट डॉक्यूमेंट जहां आपके वो पहले से किसी डॉक्यूमेंट में सेव कर रखी है वो उसको खोलिए और जहां आप खोल उसको इंसर्ट करना चाहते हैं वहां भी इंसर्ट कर सकते हैं तो करना क्या होगा आपको सबसे पहले इमेज को कॉपी करना होगा कंट्रोल सी करके और जिस डॉक्यूमेंट पे जाना है वहाँ पे जाइए और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए तो ये बहुत इजी मेथड है इसको आप हमेशा यूज करते आए हैं अभी तक इफ़ द एप्लीकेशन फ्रॉम विच द ग्राफिक वॉज कॉपीड इज क्लोज बिफोर द ग्राफिक इज पेस्टेड द इमेज स्टोर्ड ऑन द क्लिप बोर्ड क्व बी लॉस्ट तो इसलिए जब आप जब तक आप पेस्ट ना कर दें तब तक उसको खोले रखें तो होता क्या है कि जब आप कंट्रोल सी करते हैं तो आपकी वो जो इमेज है उस सोर्स डॉक्यूमेंट से आपके क्लिप बोर्ड में विच इज अ टेम्प्ररी लोकेशन इन योर कंप्यूटर वहाँ स्टोर हो जाती है और फिर वहाँ से जब आप कंट्रोल वी करते हैं तो वहाँ से वो पेस्ट होती है ना वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग अ स्कैनर अगर आपके पास स्कैनर है तो आप उस स्कैनर में अपने डॉक्यूमेंट को रख के उसमें कोई अगर आपकी इमेज है उससे स्कैन कर सकते हैं इफ ए स्कैनर इज कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर ओपन ऑफिस कैन कॉल द स्कैनिंग एप्लीकेशन एंड इंसर्टेड द आइटम ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट एज एन इमेज कैसे करेंगे मेन्यू आपको याद रखना होगा इंसर्ट के अंदर पिक्चर और आपने देखा था उसमें एक स्कैन करके ऑप्शन था और उसमें सेलेक्ट सोर्स ठीक है तो इसमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको सेलेक्ट सोर्स करेंगे तो आपको सोर्स सेलेक्ट करना होगा कौन से नहीं? आपकी पेन ड्राइव में है या किसी और में से आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें आप अपना स्कैनर सेलेक्ट करेंगे ऑल दो दिस प्रैक्टिस इज क्विक एंड ईजी इट इज़ अनलाइकली टू रिजल्ट इन high हाई क्वालिटी इमेज ऑफ द करेक्ट साइज यू मे गेट बेटर रिजल्ट बाय स्कैन मेटेरियल इन टू अ ग्राफिक्स प्रोग्राम एंड क्लीनिंग इट अप inserting बिफोर इंसर्टिंग द रिजल्टिंग इमेज इन टू ओपन ऑफिस तो बेटर अप्रोच ये है कि पहले आप उसको एक प्रॉपर जो इमेजिंग सॉफ्टवेयर है जैसे आपका पेंट या आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं इमेज के लिए उसमें लाएं और वहाँ से उसको थोड़ा ठीक ठाक करने के बाद उसको कॉपी करके आप वापस दोबारा ओपन ऑफिस में लाएं तो क्योंकि डायरेक्ट स्कैनर से इनपुट करने पे वो इमेज थोड़ी बहुत डिस्टॉर्ट हो सकती है या उतनी अच्छी साफ आपको नहीं मिल सकती है नेक्स्ट मेथड इज़ इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम गैलरी गैलरी में जैसे आपके मोबाइल में गैलरीज होती हैं वैसी आपके गैलरीज के थ्रू आप डायरेक्ट इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे आप यू कैन ग्रुप योर ऑब्जेक्ट्स एज ग्राफिक्स एंड साउंड्स दैट यू कैन इंसर्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स द गैलरी इज अवेलेबल इन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ओपन ऑफिस इट डज़ नॉट कम विथ मैनी ग्राफिक्स बट यू कैन एड योर ओन पिक्चर्स और फाइंड एक्सटेंशन कंटेनिंग मोर ग्राफिक्स तो गैलरी जो है इसमें इनबिल्ट रहती है आपके ओपन ऑफिस में और वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं कैसे करते हैं देखिए तो गैलरी ओपन करने के लिए आपके पास एक गैलरी आइकन है ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टैंडर्ड टूल बार और आप चूज कर सकते हैं मेन्यू दैट इज टूल्स गैलरी फिर से बता रहा हूँ इस मेन्यू को नोट कर लीजिएगा याद रख लीजिएगा ठीक है तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं तो ओपन ऑफिस में देखते हैं ये रहा आपका गैलरी यहाँ से आप आइकन और अगर आप मेन्यू के थ्रू जाते हैं तो टूल्स के बाद यू ऑल्सो है गैलरी तो यहाँ पे आपके पास ये गैलरी मौजूद है इसमें आपके कई सारे सिंबल्स बैकग्राउंड्स बुलेट्स डायग्राम्स इन्वायरमेंट रिलेटेड फाइनेंस रिलेटेड ये सारे आपके शेप्स स्कूल से रिलेटेड कई चीज़ें साउंड्स रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपके पहले से ही इनबिल्ट हैं आपको कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है सो so, यू कैन नाउ सेलेक्ट द डिज़ायर्ड पिक्चर यू वॉन्ट टू इंसर्ट उसके बाद आप क्या करेंगे क्लिक एंड ड्रैग इट फ्राम द गैलरी इन टू द राइट डॉक्यूमेंट यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक ऑन द पिक्चर एंड चूज इंसर्ट कॉपी तो ये आप कर सकते हैं यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करके उसको ड्रैग कर लीजिए या आप उस पर राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट के अंदर कॉपी में जाके उसकी कॉपी वहाँ कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ देखिए इसमें दिखा रखा है आपने पहले ये सेलेक्ट किया उसके बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया उसके बाद आपने ये तीसरी विंडो अपनी इमेज सेलेक्ट करी तो नीचे आपको दिखाई दी गई यहाँ पे तो वो आपके वहाँ इंसर्ट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी गैलरी से बाय डिफॉल्ट द गैलरी इज़ डॉक्ट अबव द राइटर स्पेस देखा था अभी आपने कि जो आपका राइटर का स्पेस होता है उसके ऊपर ही डॉक होती है जैसे आप यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि ये आपके ठीक राइटर डॉक्यूमेंट छोटा हो गया इस टाइम पे और गैलरी आपकी ऊपर से सुपर इम्पोज हो गई है तो टू एक्सपेंड द गैलरी पोजिशन द पॉइंटर ओवर द लाइन दैट डिवाइड्स इट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्क प्लेस और जब वो पहले लाइन में बन जाए तो उसको फिर आप ऊपर नीचे उसका साइज बदल सकते हैं अगर आप चाहें तो ठीक है क्या करना होगा ये जो लाइन आपको डिवाइडर दिख रही होगी यहाँ पे इस डिवाइडर पे आप यहाँ पे डिवाइडर है देखिए दोनों स्क्रीन के बीच में ये इसको आप क्लिक करेंगे और खींचेंगे तो ये छोटा बड़ा हो सकता है टू एक्सपेंड द गैलरी विदाउट एफेक्टिंग द वर्क स्पेस अनलॉक इट सो इट फ्लोट्स ओवर द वर्क स्पेस आप इसको फ्लोट भी करा सकते हैं क्या करेंगे कंट्रोल की दबाएंगे और डबल क्लिक करेंगे आपके गैलरी का जो बॉक्स है उसके अपर पार्ट पे तो दोबारा से ये काम करेंगे तो ये वापस डॉक हो जाएगा डॉक मतलब चिपक जाना है उसमें और डबल क्लिक करेंगे तो ये फ्लोटिंग हो जाएगा फिर आप इसको ऊपर नीचे खिसका सकते हैं वेन द गैलरी इज डॉक्ड टू हाइड इट एंड व्यू द फुल राइटर वर्क स्पेस क्लिक इन द मिडिल ऑफ द थिन बार सेपरेटिंग द गैलरी फ्रॉम द वर्क स्पेस तो अगर आपने इसको बंद करना है गैलरी को तो ये छोटा सा देखिए आपको यहां पे डॉटेड लाइन दिख रही होगी ये देखिए छोटा सा है यहां पे हाइड का ऑप्शन है इस पर हल्का सा क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगी ठीक है तो ऐसे ही स्क्रीन को आप गायब भी कर सकते हैं और गैलरी को क्लोज करने के लिए आप टूल्स के अंदर गैलरी को दोबारा करेंगे तो वो अनचेक हो जाएगी और आपका गैलरी आइकन जो है वहाँ से दोबारा से अगर आप क्लिक करेंगे तो वापस वो गैलरी वापस आ सकती है तो एक बार गैलरी टूल्स के अंदर गैलरी जाएंगे तो गैलरी ऑन हो जाएगी और दोबारा उस पर जाएंगे तो वो आपके स्क्रीन से हट जाएगी नेक्स्ट लेट अस सी हाउ टू मॉडिफाई एन इमेज कुछ चीज़ें आपको चेंज भी करनी पड़ सकती हैं वैन यू इंसर्ट अ न्यू इमेज यू मे नीड टू मॉडिफाई इट टू सूट द डॉक्यूमेंट उसके आपको हाइट वगैरह चेंज करनी पड़ सकती है ठीक है कुछ और चेंज उसमें लाने पड़ सकते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं हम हम यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे पिक्चर टूल बार रीसाइजिंग क्रॉपिंग एंड अ वर्क अराउंड टू रोटेट अ पिक्चर कैसे ये सब चीजें कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे पिक्चर टूल बार कैसे यूज किया जाता है सो वेन यू इंसर्ट एन इमेज और सेलेक्ट एन ऑलरेडी प्रेजेंट इमेज इन द डॉक्यूमेंट द पिक्चर टूल बार्स अपेयर्स तो अगर आपने कोई इमेज इंसर्ट करी या पहले से कोई इमेज वहाँ है तो वो आपको पिक्चर टूल बार तुरंत दिख जाएगा आप उसको हमेशा के लिए प्रेजेंट भी कर सकते हैं कैसे व्यूज के अंदर टूल बार्स के अंदर पिक्चर तो टूल बार पिक्चर टूल बार आपको दिखने लगेगा टू अदर टूल बार्स कैन बी ओपन फ्रॉम दिस वन पहला है ग्राफिक्स फिल्टर टूल बार और कलर टूल बार ये भी आप ला सकते हैं तो यहां से हम क्या कर सकते हैं अपने कुछ अपनी जो फोटोज हैं उसमें कुछ इफेक्ट्स डाल सकते हैं ठीक है तो ग्राफिक्स मोड यू कैन चेंज कलर इमेजेस टू ग्रे स्केल बाय सेलेक्टिंग द इमेजेस एंड देन सेलेक्टिंग ग्रे स्केल तो आप वो ग्रे स्केल में चेंज हो जाएंगे या आप उनको हॉरिजेंटली या वर्टिकली फ्लिप भी कर सकते हैं नेक्स्ट वी हैव सम फिल्टर्स एक एग्जांपल जैसे देख लेते हैं ये हमने एक फोटो इंसर्ट करी गैलरी से और यहाँ पे जैसे हमने इसको इंसर्ट किया तो यहाँ पे हमारा पिक्चर टूल बार आ गया तो आप इसको यहाँ से ग्रे स्केल चेंज कर सकते हैं यहाँ से इसको ब्लैक एंड वाइट चेंज कर सकते हैं और इसको आप वाटर मार्क की तरह चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड में चला जाएगा या आप इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए और इसके अलावा आप यहाँ से इसको हॉरीजेंटली वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं देखिए तो ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं जो पिक्चर टूल बार में डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं यहाँ पे आपके साथ में ये कलर टूल बार भी आपके पास आ जाता है इसमें और ये फिल्टर टूल बार भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है ये सारे फिल्टर्स आप लगा सकते हैं इसमें देखिए इन्वर्ट स्मूद शार्पन रिमूव नॉइज सोलराइजेशन एजिंग पोस्टराइज पॉप आर्ट चारकोल स्केच रिलीफ और मोजैक तो यहाँ पे अब हम एक बार इन फिल्टर्स के बारे में आप पढ़ लेते हैं तो टेबल में प्रोवाइड्स वी हैव गिवन अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द अवेलेबल फिल्टर्स हाउ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड देम इज टू सी देम इन एक्शन एक्चुअली आप करके देखेंगे तभी आपको सही चीज़ पता चल पाएगी कि क्या इनका यूज है कि यू हैव टू फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट फिल्टर्स ओके एंड सेटिंग्स और आप उनको अंडू भी कर सकते हैं आपको मालूम होना चाहिए अंडू कैसे करते हैं एडिट में जाके अंडू कर सकते हैं ठीक है और कलर टूल बार तो आपने देखा था यूज टूल बार अभी हमने देखा था तो कलर टूल बार में क्या होता है वी कैन मॉडिफाई द आर जी बी कलर कॉम्पोनेंट आर जी बी मीन्स रेड ग्रीन ब्लू के इन तीनों के कंपोनेंट्स को मिला के आप कोई भी कलर फॉर्म कर सकते हैं And we can also change the brightness, contrast and gamma of the image. Okay? अगर नहीं सही आपने kuch change किया और अगर वो result सही नहीं आया तो you can press control Z to undo that effect. theek ठीक है तो अब pe पर जरा हम dekh देख लेते हैं जो हमने अभी देखे mein में इन्वर्ट तो इन्वर्ट क्या करेगा इट इन्वर्ट्स द कलर वैल्यू ऑफ अ कलर इमेज और द ब्राइटनेस वैल्यू ऑफ अ ग्रे स्केल इमेज अगर कलर इमेज है तो उसकी कलर वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है उल्टा और ब्राइटनेस वैल्यू है अगर ग्रे स्केल इमेज है तो उसकी ब्राइटनेस वैल्यू को उल्टा कर देता है स्मूद इट सॉफ्ट द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज शार्पन इट इंक्रेजेज द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज रिमूव नॉइस रिमूव सिंगल पिक्सल्स फ्रॉम एन इमेज कोई एक पिक्सल आपने वहाँ पर एक्स्ट्रा लग रहा है आपको पिक्चर में तो आप उसको हटा सकते हैं सोलराइजेशन इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ टू मच लाइट इन अ पिक्चर आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा लाइट आपने कहीं वो दिखाना है उसका इफेक्ट को लाने की कोशिश करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे इस पर सोलराइजेशन पर तो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिससे आप कुछ पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं फिर है एजिंग इट सिमलेट्स द इफेक्ट ऑफ ए टाइम ऑन अ पिक्चर इट कैन बी अप्लाइड सेवरल टाइम्स अ फर्दर डायलॉग बॉक्स ओपन टू एडजस्ट द एजिंग लेवल आप उसको थोड़ा पुराना कर सकते हैं जैसे तो एजिंग का मतलब वो ये टाइम को उसके ऊपर नीचे किसी एक कंपोनेंट को आप थोड़ा सा पुराना दिखा सकते हैं ऐसा नेक्स्ट इज पोस्टराइज इट मेक्स अ पिक्चर अपेयर लाइक अ पेंटिंग बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कलर्स यूज ठीक है तो पेंटिंग जैसी दिखाई देगी आपको पॉप आर्ट इट मॉडिफाइज द पिक्चर ड्रामेटिकली एक इमेज को वो पॉप आर्ट जैसा बना देती है चारकोल कोल डिस्प्लेज द इमेज इज ए चारकोल स्केच रिलीफ अ डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले टू एडजस्ट द लाइट सोर्स दैट विल क्रिएट द शेडो एंड हैंस द रिलीफ इफेक्ट ठीक है शेडो जैसी आने लग जाएगी उसके उसके बाद मोजैक ज्वाइन ग्रुप्स ऑफ पिक्सल्स इन टू अ सिंगल एरिया ऑफ वन कलर तो ये सारे इफेक्ट्स हैं ये आप फिल्टर्स हैं आप उस पर अप्लाई करके देख सकते हैं किसी भी इमेज पे तो आपको पता चलेगा कि क्या उसका काम है नेक्स्ट उसमें जो हमें दिख रहा था डेट वॉज ट्रांसपेरेंसी जो आप डायलाग बॉक्स यहाँ देख रहे होंगे ये देखिए यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ठीक है तो उसका यूज देख लेते हैं क्या है ट्रांसपेरेंसी इट मॉडिफाइज द परसेंटेज वैल्यू इन द ट्रांसपेरेंसी बॉक्स ऑन द पिक्चर टूल बार टू मेक द इमेज मोर ट्रांसपेरेंट ठीक है इट दिस इज पर्टिकुलर यूजफुल वेन क्रिएटिंग अ वाटरमार्क जब आप वाटरमार्क बना रहे होते हैं तब ट्रांसपेरेंसी की ज्यादा आवश्यकता आपको होती है या अगर आप उस इमेज को बैकग्राउंड में डालने की कोशिश कर रहे हैं तब नेक्स्ट वी हैव यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूल बार एंड पिक्चर डायलॉग वेन एन इमेज इज सेलेक्टेड यू कैन कस्टमाइज सम एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स अपेयरेंस यूजिंग द टूल्स अवेलेबल इन द फॉर्मेटिंग टूल बार एज वेल एज इन द डायग बॉक्स दैट इज शोन बाय राइट क्लिकिंग ऑन द इमेज सेलेक्टिंग पिक्चर ओके देखते हैं ये हमने पिक्चर कर ली और यहाँ से आपने पिक्चर पर सेलेक्ट किया तो ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो के आया तो इससे आप कई एस्पेक्ट उसके चेंज कर सकते हैं इमेज के यू कैन फॉर example, क्रिएट अ बॉर्डर अराउंड द इमेज सेलेक्टिंग स्टाइल्स एंड कलर और यू कैन इन द बॉर्डर पेज ऑफ द पिक्चर डायलॉग वॉज एड अ शेडो टू द इमेज ठीक है तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपने कई सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं तो आप इन ऑप्शंस से इसमें रैपिंग कर सकते हैं उसको हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं क्रॉप कर सकते हैं बॉर्डर दे सकते हैं बैकग्राउंड दे सकते हैं ठीक है ये सब चारी चीज़ें आपको यहाँ इसमें अवेलेबल रहेंगी तो इसी मेन्यू का जो इस्तेमाल है अब हम बाकी बचे हुए पार्ट में देखेंगे तो फर्स्ट इसमें देखते हैं क्रॉपिंग इमेज तो इमेज को अगर आपने छोटा करना है उसका साइज उसको छोटा सा कहीं से कट करना है तो आपको उसको क्रॉप वाले टैब में जाना होगा वेन यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन अ सेक्शन ऑफ एन इमेज फॉर द पर्पज ऑफ योर डॉक्यूमेंट आप उसको बीच से कहीं एक टुकड़ा उसको इमेज का आपको चाहिए पूरी इमेज नहीं चाहिए तो आप क्रॉप कर सकते हैं उसको तो पिक्चर मेन्यू आपने देखा उसमें आपको क्रॉप वाले डायलॉग उस क्रॉप वाला जो पेज है आपको उसमें जाना होगा ये देखिए क्रॉप वाला पेज यहां दिख रहा है आपको इसमें आपको पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि कितना लेफ्ट राइट right से कितना काटना है विथ कितनी रखनी है ये सब चीजें उसमें दी हुई हैं कौन कौन से पैरामीटर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं कीप स्केल और कीप इमेज साइज अगर कीप स्केल रखेंगे तो क्रॉपिंग द इमेज डज नॉट चेंज द स्केल ऑफ द पिक्चर जो उसकी स्केलिंग है हाइट और विथ की उसकी हाइट और लेंथ की जो उसका रेशियो है वो चेंज नहीं होगा अगर आपने कीप इमेज साइज सेलेक्ट किया है तो क्रॉपिंग से जो है इट कैन प्रोड्यूस इनलार्जमेंट और श्रिंकिंग अगर आप नेगेटिव क्रॉपिंग वैल्यूज देते हैं तो श्रिंकिंग हो जाएगी या इनलार्जमेंट भी हो सकता है या डिस्ट्रशन ऑफ द इमेज सो दैट द इमेज रिमेंस कॉन्स्टेंट इमेज साइज रिमेंस कॉन्स्टेंट फिर आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेलेक्ट कर सकते हैं okay. जैसे मान लिया अगर आपने लेफ्ट बॉक्स में थीन सेंटीमीटर सेलेक्ट किया है सो इट कट्स थ्री सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर तो अगर आपने ऊपर कीप स्केल सेलेक्टेड किया हुआ है तो साइज इमेज का साइज अपने आप चेंज हो जाएगा विथ साइज अगर आपने लेफ्ट से तीन सेंटीमीटर कट किया है तो उसकी विर्थ भी तीन सेंटीमीटर कट हो जाएगी बट अगर आपने की इमेज साइज सेलेक्ट किया हुआ है तो बाकी का जो पोर्शन है वो आपका इन या श्रिंक हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर सिलेक्शन। विथ और हाइट आप चेंज कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए या आप उस इमेज को रिसाइज भी कर सकते हैं ये सब चीजें थ्योरेटिकली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आप जब इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे किया जाता है सो रिसाइजिंग एन इमेज में क्या है कि द इंसर्टेड इमेज आपके जो है वो कई बार आपके डॉक्यूमेंट में फिट नहीं हो सकती होती है या तो बहुत बड़ी हो जाती है या कभी बहुत छोटी हो जाती है तो आप आपको क्या करना पड़ता है उसको रिसाइज करना होता है कैसे करेंगे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स जो हैं उस पिक्चर के चारों ओर दिखाई देंगे तो यहाँ देखिए आप ये इमेज है आपकी जैसे इसमें हमने क्लिक किया है तो इसके आगे आपके रिसाइजिंग हैंडल्स आ गए अब आप इनको खिसका के इसकी साइज़ अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हैं आपने कई बार करके देखा होगा इसको ये देखिए तो इसकी साइज़ यहाँ से बदल जा रही है ओके okay? वी विल पोजिशन द पॉइंटर ओवर वन ऑफ द ग्रीन साइज रिसाइजिंग हैंडल्स द पॉइंटर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन एक एरो जैसा बना हुआ आ जाएगा जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे देखिए ये एरो बन गया जैसे वो ग्रीन उस पर आएगा एरो बन जाएगा अब आप इसको यहां से ड्रैक करके खिसका सकते हैं ओके क्लिक एंड ड्रैक टू रिसाइज द पिक्चर जब आपके रिसाइज हो जाए तो उसको माउस को रिलीज कर दीजिए टू रिटेन द ओरिजिनल प्रपोर्शन ऑफ द ग्राफिक्स क्या करेंगे शिफ्ट के साथ क्लिक वन ऑफ द कॉर्नर हैंडल्स देन ड्रैग तो अगर आपने उसको ओरिजिनल प्रपोर्शन पे लाना है तो क्या करेंगे शिफ्ट के साथ एक कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और उसको थोड़ा सा खींचेंगे ओके okay, और पहले माउस बटन को छोड़ेंगे और उसके बाद शिफ्ट की को छोड़ेंगे तो आपसे आपकी इमेज जो है और रीसाइज हो जाएगी देखते हैं ये हमारी फैली हुई इमेज है इस पर हमने एक कॉर्नर पर क्लिक किया और शिफ्ट बटन दबा के इसको हमने अंदर को खींचा और ये छोड़ा तो ये रीसाइज हो जाएगी अपने ओरिजिनल उस पर बी अवेयर दैट रिसाइजिंग अट मैप image will adversely affect the resolution. Bit map image होगी तो resolution थोड़ा सा उसका blur हो जाएगा देखिए यही देखिए तीन example यहां पर आपको दिखाए गए हैं resize करके तो ये नेचुरल फर्स्ट वाली जो है नेचुरल जेपीजी फाइल है और उसके बाद इसको हमने प्रपोशनली रिड्यूस किया हुआ है होल्डिंग द शिफ्ट प्रेस्ड वाइल्ड ड्रैगिंग तो वो आपका जो प्रोपोर्शनल ड्रैगिंग होगी मीन्स उसका एस्पेक्ट रेशियो जो है बना रहेगा हाइट और विर्थ का वो रेशियो बना रहेगा जैसे आपको यहाँ दिख रहा है हाइट और विर्थ का रेशियो तो वैसे ही आप उसको शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो उसका रेशियो बना हुआ रहेगा नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ये आपकी जो है विदाउट होल्डिंग शिफ्ट करके आपने जब ड्रैग किया तो उसका रेशियो सही नहीं बना तो इमेज आपकी जो है अजीब सी दिखाई दे रही है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप रिसाइज करें तो अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो उसका एस्पेक्ट रेशियो जो है वो बना रहता है तो अगर एक्यूरेट रिसाइजिंग करनी है यूज आइदर द क्रॉप पेज ऑफ द पिक्चर डायलॉग बॉक्स या तो आप क्रॉप कर लीजिए एक्चुअली उसको द टाइप पेज ऑफ द पिक्चर डायलॉग बॉक्स ऑन द क्रॉप पेज यू कैन एडजस्ट स्केल विथ हाइट साइज ओरिजिनल साइज ये सब चीजें आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं और उसमें एक टाइप डायलॉग बॉक्स भी होता है उसमें आप रिलेटिव ऑप्शन से उसको परसेंटेज और एक्चुअल डायमेंशन के बीच में स्केलिंग उसकी चेंज करके उसका कीप रेशियो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका साइज मेंटेन रहेगा नेक्स्ट वी हैव रोटेटिंग ए पिक्चर देखिए राइटर डज नॉट प्रोवाइड टूल फॉर रोटेटिंग अ पिक्चर जैसे अगर आपने एम एस वर्ड में काम किया होगा तो उसमें इमेज के ऊपर एक रोटेटर की स्क्रीन भी आती है लेकिन राइटर में ऐसा नहीं है तो क्या ऑप्शन दिए हैं राइटर में ओपन अ न्यू ड्रॉ और इम्प्रेस डॉक्यूमेंट तो पहले आपने क्या करना पड़ेगा एक इम्प्रेस या ड्रॉ का एक डॉक्यूमेंट जैसे इमेज का उसका ऑप्शन है कैसे होगा फाइल में जाके न्यू के अंदर ड्राइंग या फाइल न्यू के अंदर प्रेजेंटेशन उसके बाद आप वहाँ पे अपनी इमेज डालेंगे उसके बाद इमेज को सेलेक्ट करेंगे और ड्राइंग टूल बार में जाके आप उसको रोटेट कर सकते हैं तो यहाँ पे उसका नहीं है आप उसको एक दूसरी एप्लीकेशन जो इसकी है ओपन ऑफिस की ड्रॉ तो उसमें जाके आप उसको रोटेट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे यहाँ इम्पोर्ट कर लीजिए या उसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर लीजिए ठीक है नेक्स्ट वी है क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स तो इसके लिए सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं इसके लिए हमें टूल बार यूज करना होगा ड्राइंग टूल बार व्यू के अंदर टूल बार्स के अंदर ड्राइंग देखते हैं यह है व्यू के अंदर आपको टूल बार्स और टूल बार्स के अंदर आपको यहां सेलेक्ट करना है ड्राइंग ऊपर जाके मिलेगा आपको ये ड्राइंग टूल बार आपने सेलेक्ट किया तो नीचे आपका ये ड्राइंग टूल बार यहां आ जाता है ठीक है इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं देखते हैं तो ये सारे ऑप्शन हैं हमारे पास सेलेक्ट का ऑप्शन लाइन रेक्टेंगल एलिप्स फ्री फॉर्म लाइन टेक्स्ट कॉल आउट्स बेसिक सेप्स स्माइलीज ब्लॉक एरोज फ्लो चार्ट्स कॉल आउट्स उसके बाद हमारे पास स्टार सिंबल्स हैं यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं और वहाँ से हम गैलरी से कुछ उठा सकते हैं यहाँ पे फाइल में से हम कुछ शेप उठा सकते हैं और यहाँ पे एक्सट्रूजन ऑन या ऑफ ठीक है ये सारे हमारे पास ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा अगर हमें डॉक्यूमेंट में कोई ड्राइंग इंसर्ट करनी है तो आपने उस डॉक्यूमेंट पे जाना होगा सेलेक्ट द टूल फ्रॉम द ड्राॅइंग टूल बार जो आपने टूल सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अर ड्राॅइंग फंक्शन पैरामीटर मूव द क्रॉस हेयर पॉइंटर टू द प्लेस वेर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द इमेज और उसको रिलीज कर दीजिए तो वो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ आ जाएगा टू कैंसिल द सेलेक्टेड ड्राॅइंग फंक्शन प्रेस द स्केप की और क्लिक द सेलेक्ट आइकन ऑन द ड्राॅइंग टूल बार यू कैन नाउ चेंज द प्रॉपर्टीज ओके तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कैसे होगा ये यहाँ पे हम गए और हम इस इमेज को अभी हम हटा लेते हैं या इसको रहने देते हैं यहाँ पे हम एक कोई डॉक्यूम यहाँ से जैसे हमने ये एलिप्स ड्रॉ करना है तो हमने एलिप्स पे क्लिक किया तो हमारा देखिए ये पॉइंटर जो है उसी शेप में चेंज हो गया है और यहाँ पे जाके हमने इसको क्लिक करना है ड्रॉ करेंगे ये यह यहाँ से हमने पकड़ के इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप माउस दबा के और यहाँ पे जितना लंबा चौड़ा हमें इसको चाहिए हम उसको उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करके ये छोड़ देंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट एंकर हो गया देखिए आप एंकर का साइन आपको दिखाई दे रहा होगा यू कैन नाउ चेंज द प्रॉपर्टीज फिल कलर लाइन टाइप वेट ये सब चीज़ें हम उसकी चेंज कर सकते हैं कैसे करेंगे तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं ऑन द ड्रॉइंग टूल बार्स क्लिक द सेलेक्ट टूल ऑन द ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार क्लिक द आइकन फॉर ईच प्रॉपर्टी एंड सेलेक्ट द वैल्यू यू वॉन्ट फॉर दैट प्रॉपर्टी आप जो वैल्यू चेंज करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते तो ये आप देख रहे हैं ड्राॅइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार इसमें से इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं आप इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाके यहां पे चेंज कर सकते हैं ओके okay? तो जो भी आप चेंज करेंगे आपका जो आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी तो क्या करेंगे इस सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू एस डिस्क्राइब अब आप उसको कोई भी प्रॉपर्टीज में चेंज करें और आपको उसका इफेक्ट वहाँ दिखाई देगा रिसाइजिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपको मालूम है उसका हम रिसाइज भी कर सकते हैं जैसे इमेज को कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को करेंगे और उसके आगे जो हमारे पास ये देख रहे होंगे आप यहां पे एट हैंडल्स हमारे पास आ गए हैं इस हैंडल्स को हम ड्रैग ड्रॉप खींच के ऊपर नीचे हम इसका साइज बदल सकते हैं ये देखिए तो ये हैंडल्स इसी के लिए होते हैं जैसे इमेज के हैंडल्स हैं वैसे ही इसमें भी हैं और अगर कंट्रोल आपने चाहिए तो आप फॉर्मेट ऑप्शन में जाके फॉर्मेट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर पोजिशन इन साइज से भी आप कर सकते हैं ओके okay? नाउ लेटस सी हाउ टू ग्रुप ड्राॅइंग ऑब्जेक्ट्स कई आपने ड्राॅइंग ऑब्जेक्ट्स ऐसे बनाए और अब आप उन पूरे को मिला के एक करना चाहते हैं एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जिससे कि वो एक साथ मूव करें या एक साथ आप उसको खिसका सकें तो हम उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं कैसे करेंगे पहला ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे शिफ्ट की दबाए रखेंगे और उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम उन पर क्लिक करते जाएंगे तो वो हमारा सारा एक सेलेक्शन होता जाएगा एक के बाद दूसरे हमारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते जाएंगे ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होवर द माउस द ऑब्जेक्ट्स एंड चूज फॉर्मेट ग्रुप के अंदर ग्रुप okay? या अगर आप ये इसका आपको जो मेन्यू पाथ है वो याद रखना होगा फॉर्मेट के अंदर ग्रुप के अंदर ग्रुप ठीक है या अगर आप इतना मेन्यू के थ्रू नहीं जाना चाहते आप यू कैन राइट क्लिक एंड चूज ग्रुप के अंदर ग्रुप तो जो उस आपकी इमेजेस हैं वो आपस में ग्रुप हो जाएंगी तो ये शॉर्टकट मेथड आपको याद रखनी है मेन्यू के थ्रू भी और राइट right क्लिक के थ्रू भी और आप उनको एज अ ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं यू कैन नॉट इंक्लूड एन एम्बेडेड और लिंक्ड ग्राफिक इन अ ग्रुप विद ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कि आप लिंक्ड या एम्बेडेड ग्राफिक्स को यहां पे ग्रुप नहीं कर सकते ये चीज आपने ध्यान रखनी है पोजिशनिंग इमेज ग्राफिक्स विद इन द टेक्स्ट आप उसकी पोजिशन चेंज कर सकते हैं वैन यू एड अ ग्राफिक्स टू द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यू नीड टू चूज हाउ टू पोजिशन इट विद रिस्पेक्ट टू द टेक्स्ट और ग्राफिक्स कहाँ पे उसकी एक्चुअल पोजिशन आनी चाहिए द पोजिशनिंग ऑफ ग्राफिक्स इज ऑफन रादर टाइम कंज्यूमिंग एंड मे बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ठीक है अगर आपको नहीं मालूम है एक्सपीरियंस नहीं है तो कई बार वो बड़ा हैपजर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देती है तो पहले आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि चार सेटिंग्स आपने उसमें ध्यान रखनी है अरेंजमेंट रिफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक्स ऑन एन इमेजनरी वर्टिकल एक्सिस पहले आपको उसका अरेंजमेंट देखना है कहाँ पे होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस में ओके okay. फिर अलाइनमेंट रिफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक्स इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट एंकरिंग रिफर्स टू द रिफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स कहां पे उसको एंकर करना है कहाँ पे उसको जोड़ना है दिस कुड बी पेज फ्रेम और ऑब्जेक्ट ओके पैराग्राफ में उसको एंकर करना है या कैरेक्टर पे भी आप उसको एंकर कर सकते हैं एन इमेज ऑलवेज हैज एन एंकर पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं वो एंकर होगी या तो वो पेज पे एंकर होगी या वो किसी पैराग्राफ पे एंकर होगी या वर्ड पे एंकर होगी जुड़ी हुई होगी लास्ट में आता है टेक्स्ट रैपिंग इट रिफर्स टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द टेक्स्ट तो ग्राफिक्स और उससे जुड़े हुए टेक्स्ट का आपस में कैसा रिलेशन होगा वो बताता है टेक्स्ट रैपिंग ओके तो इनके कई तरीके हैं यहाँ से आप देखिए पहला तो है फॉर्मेट मेन्यू से आप कर सकते हैं यहाँ पे आप अलाइनमेंट अरेंजमेंट रैपिंग ये सब कुछ मिल सकता है आपको पॉप अप मेन्यू जो आपके राइट right क्लिक करने पे ग्राफिक्स पे मिलता है या टूल बार से आपने देखा होगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास ऑब्जेक्ट टूल बार में अगर आप किसी ग्राफिक पे क्लिक करेंगे तो उसको आप यहाँ से उसकी एंकरिंग चेंज कर सकते हैं देखिए ये ब्रिंग टू बैक ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक एंकरिंग चेंज ये सारी चीज़ें आप उसकी चेंज कर सकते हैं तो फिर से मैं आपको बता दूं कि ये पूरी जो यूनिट है ये आपके प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा है तो आप इसको पहले ये ओपन ऑफिस डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा इन कंट्रोल्स के बारे में जानकारी मिल पाएगी ओके सो दिस ब्रिक्स ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेसन एट एंड वी हैव सम एक्टिविटी यू हैव टू क्रिएट अ न्यू ईयर कार्ड यूजिंग इमेजेस एंड यू हैव टू क्रिएट अ पोस्टर ऑन हेल्थ एंड हाइजीन और आप में उसने उसमें आपने क्या करना है बहुत सारे इफेक्ट्स और ये सब चीज़ें जो भी आपने पढ़ी उनका यूज़ कीजिएगा और उससे आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे इमेजेस के साथ आप काम कर सकते हैं क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन आपको यू हैव टू नेम एनी फोर ग्राफिक फिल्टर्स फिर आपको बताना है व्हाट इज़ इमेज क्रॉपिंग थड्स ऑफ इंसर्टिंग इमेज इन अ टेक्स डॉक्यूमेंट तो यह सब आपको पता होना चाहिए कि इमेज इंसर्ट करने के क्या क्या तरीके हैं ठीक है तो और शॉर्टकट कीज क्या हैं और मेन्यू के थ्रू कैसे जा सकते हैं और वेन वट डू अंडरस्टैंड बाई द टर्म्स टेक्स्ट रैपिंग एंड एंकरिंग सो स्टूडेंट्स ट्राई टू वर्क आउट दीज ऑल दीज पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रैक्टिकली in the open office writer and play with the images try various type of options and then you can know uh, how these options work okay and also focus on the theoretical part and also remember those menu ways and shortcuts for these functions okay so this is the end of this video lesson and we will be meeting in the next video lesson